का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये अपनी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी श्री इंद्र शर्मा जी, एससी ब्लॉक के अध्यक्ष, देरा ब्लॉक के अध्यक्ष और मेरे सारे गणमान्य व्यक्ति जिनका मैं नाम लेने वाली, बहुत वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ मंत्री, सारे गणमान्य व्यक्ति, भाई बहन, मैं आप असंभव अभिनंदन करती हूँ जिसका मैं नाम लेने वाली हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आज हमने यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, कल मेरा नॉमिनेशन हुआ, बहुत सारी संख्या में आप लोगों ने योगदान दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज मैं, बल्कि आज मैं एक मीटिंग इस करके रखी कि आज मुझे आदेश होया सीएम साहब का कि हम एक हाँ मीटिंग रखनी, मीटिंग इस करके रखी गई क्योंकि नया इलाका साने वास्ते, नया इन सेंस की बल्कि नया क्षेत्र है, विधानसभा नया क्षेत्र है हमारे लिए, तो मुझे नहीं पता कि कौन सारा बूथ अध्यक्ष है, कौन सारा क्या है, तो मेरी आज मैं बल्कि उन्होंने एक इंट्रोडक्शन भी कर लेनी, पर उन्होंने मैं नाम पता भी लिख लेना, पर उन्होंने मेरी पर्सनली गल भी लेनी, मैं हर आदमी से हर बूथ से पदाधिकारी ने गल करनी, मतलब दो दिन पहले पता लग जाना, दो दिन पहले हम उन्होंने सारे शेड्यूल देना, एक शेड्यूल की कॉपी अस अपने अपना कार्यकर्ता सारा नाराज है, जिन्हें भी जोड़ना हर घरे चादरी देनी, बीजेपी कांग्रेस असा हर घर न्यूज देनी चाहिए। चाह भी पीनी, नी भी प्यागे, ता भी असीं ये गल करीए आउंदे, ए नहीं सोचना कि ए साडे नहीं ना, इन्हां नहीं देनी वोट, खरे सारा उन्हां दा दिल बिगड़ी जा साडे चल ते, ठीक जिन कई बार क्या होगा कि बोलते कि जी किन्ना करजे ब्याह च बंदिया का, ये नहीं समझो लड़ाई तो साड़ी दो तीन साल पहले हुई ही, हाँ हंजो राणा मन करता भी हम किठे बह के अज भत्त खाई थी, करता कि नहीं करता, आज आपने ये सोच कर जाना कि हर आदमी से मेरी कार्यकर्ता से मेरी हर जोड़ से जोड़ कर गुजारिश रहेगी कि हर आदमी बल्कि टीम वर्क करे, एक बल्कि जो हमारे बूथ अध्यक्ष है, हमारे प्रधान है या महिला अध्यक्ष है, वो सारे ज्यादा नहीं तो दस दस लोग निकले और सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे और दिन में अपनी बैठ कर एक योजना बनाए कि कैसे हमने काम करना है, हर घर में मटेरियल पहुंचना चाहिए, हर घर में चुनाव चिन्ह पहुंचना चाहिए, हर घर में हमारा अपील करना चाहिए कि हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है। आज हमारे बच्चे जो है, हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारी कांग्रेस पार्टी से बहुत अशुभता रह चुकी है, उनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए क्या किया हुआ। आज जो भाषण देते ना बड़े बड़े कि हमने ये किया वो किया फलाना किया, उनको ये नहीं पता कि जिस देश में कुछ नहीं होता था उस देश को हमने कहां बचा दिया कांग्रेस पार्टी के साथ साथ। उन योजनाओं का हम सब फायदा लेकर ही आज इन स्टेजों पे भाषण दे रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लो, आपने बल्कि अपने बच्चों को भी समझाना है, एक यूथ जो है 4 को वोट करता है, जो नौजवान पीढ़ी है उसको पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी क्या है, और हमारे बड़े सीनियर के बुजुर्ग बैठे हैं उनके पास बहुत बड़ा ज्यादा मटीरियल है कांग्रेस पार्टी के प्रति, मेरा उनसे भी गुजारिश रहेगा कि उन बच्चों को बैठाओ, समझाओ युवा को, बुजुर्गों को, बल्कि आपस में बैठ के एक छोटी छोटी मीटिंग करो, घर में बैठो,
किसी के दो चार घर में उनके एक मेंबर बन के बैठो कि कांग्रेस पार्टी तब हमारी एक जो है हम आदमी से आदमी जोड़ पाए। इनकी जो लड़ाई है धनवर की है, हमारी लड़ाई जो है जनवर की होनी चाहिए। हमने अपने देश को बचाना है, हमने अपने प्रदेश को बचाना है, हमने अपने एक एरिया को बचाना है, अपने क्षेत्र को बचाना है। देरा जो है, देरा क्षेत्र 25 साल से कोई भी कांग्रेस कैंडिडेट आज तक यहाँ जीत कर नहीं आया। आज बल्कि मैं दो तीन दिन से सुन रही हूँ कि जी मैडम जी 25 साल से कोई कैंडिडेट नहीं है होया। अब आपके हाथ में शक्ति दी हुई है क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन उठती है। एकजुट होकर, एकजुट हो जाओ। मेरा आपसे गुजारिश है जहाँ पर मेरी जरूरत है, मैं सीएम एक मीटिंग रखी हुई यहाँ दरिया से पारवानी क्षेत्र में, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। मेरा ये आपसे वादा है। अभी हमारे एक गणमान्य जी ने बोला कि ताला तो अड़े थे, चाबी तो अड़े थे, भाई अभी तक डिजिटल नंबर आएगी हो अले जो एटीएम का कोड दे थे कुड़ी द्वारा तो सा द्वारा से एटीएम का कोड ताला मजबूर है पर आजकल डिजिटल जमाना है पर एटीएम का नंबर कुड़ी देना। मैं अपने भाई सुरेंद्र मुकोटिया जी का नाम लेना भूल गई, मैं क्षमा चाहती हूँ, बैठे बड़े पीछे। तो एटीएम का नंबर किसने दिलाना? आप लोगों ने दिलाना है। कोड मिलेगा मैं तभी देरा के लिए कुछ कर पाऊंगी। और वो कोड कैसे मिलेगा? देरा की जनता से, देरा की जनता के बहुमूल्य कीमती जो आप वोट देकर मेरे को जिता करके विधानसभा शिमला में भेजेंगे। और मैं देख रही हूँ कि मेरे को बल्कि काफी जोश लगा लोगों के बीच में, पर इस जोश को आपने हमारे जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता जी ने बताया कि इस जोश को हमने, इस जोश के साथ हमारे को बड़े होश के साथ, बड़ी समझदारी के साथ बरतना है और हमें लोगों के बीच जाना है, अपना भाईचारा कायम रखना है। हमने किसी के साथ बहस मसाई नहीं करनी। अभी ये बीजेपी वाले हैं हर हथकंडों पे उतरते हैं, हर हथकंडों पे उतरते हैं ये लोग। हमने किसी से नहीं लड़ाई करनी है, हमने अपना भाईचारा कायम रखना है, हमने इस समाज को कायम रखना है क्योंकि ये चलता रहता दौर। पर मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि हर आदमी, हर व्यक्ति, हर हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है ये जो 15 दिन है या 15-20 दिन है ये सोचे कि हम इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। मैडम इलेक्शन नहीं लड़ रही, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके लिए देना के लिए हम आने वाले भविष्य के लिए लड़ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तब हमारे को कामयाबी जो है भरपूर कामयाबी मिले। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर ना ले, कोई भी व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होकर ना ले, जहाँ पर किसी की बात नहीं बनती है। अब जैसे अभी मेरे प्रवक्ता ने बताया जहाँ पर हमारी कोई कमी रह जाती है तो हमारे जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं उनको भेजो, जहाँ पर कमी रह जाती है हमारे को बताओ, हम सारे जो है मिलके काम करें। हमने कोई भी ये 15-20 दिन जो है मनभेद नहीं रखना है, मतभेद नहीं रखना है। कांग्रेस पार्टी के लिए हमने काम करना है, हमने कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए और सरकार को, सरकार से फायदा लेने के लिए हमने ये काम किया है। हेलो, कोई बात नहीं जी, मेरा गला बहुत भारी है। होते भी जे सूरत मिली है नहीं ता भी ठीक है, नहीं मिल गई ता भी ठीक है। आप भी हमेशा तो मैं थोड़े अगे ही गुजारिश कर दिया कि तुस सारे मन की अपनी वोटर लिस्ट है आएंगे, आपके पास हम वोटर लिस्ट है आपके बूथ प्रभारियों के पास पहुंचवाएंगे, हमारे जो बूथ इंचार्ज है वोटर लिस्ट है आपके पास पहुंचेंगे। जहां पे किसी को मटीरियल नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगी, आप हमारे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। हर आदमी से मेरी यही मिलेगी कि आपको किसी के माध्यम से आने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। हो सकता है जिसके माध्यम से आप आने जा सकते हैं हमारा कोई भाई है, उसको कोई अपना पर्सनल काम भी हो सकता है, उसको कोई पर्सनल मजबूरी भी हो सकती है जो आपको हमारे पास ना पहुंचा पाए। आप डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगी। आदमी बाद में
भी करूंगी, आपने चिंता नहीं करनी है, मैं बाद में भी बात करूंगी। और यहाँ पर मैं आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी कि आपको 25 साल की जो भरपाई है नहीं हो पा रही, मैं आपकी 25 साल की भरपाई जो है देखो अभी ये मेरे कान में कुछ से कुछ बोल रही है। मैं जो मैंने बोल दिया आपको कि मैं कोई भी आपकी जो कमी है 25 साल की जो आप कमी महसूस करते आए हैं मैं उसकी सबकी भरपाई करूं। मेरा जिला बनेगा। और इसके साथ साथ ये जो पीछे खड़े हैं ये मेरे को अभी बोल रहे हैं, ये अभी इन्होंने अपने भाषण में बोला कि मेरी बेटी बोल दी सही भाई अरे पापा जी मार्क नहीं है ना, तो ये चलो मार्क वाला भी करके कुछ ना कुछ मैं भी बोलती हूँ जो बड़ी है ना ये बात की बात है। पहले आज 15-20 दिन मैं करूंगी आपके लिए, आप जो मैंने कल भी बोला था कि मैं कैबिनेट में जाकर या वहाँ अपना विधानसभा के अंदर लड़ाई नहीं करूंगी, करे दराजे अंदर ही लड़ाई नहीं करूंगी। चुप चाप रहना बस, क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं होती ध्यान में, सब पता होता है क्या करना क्या नहीं करना। तो आपसे बारंबार ये अनुरोध रहेगा कि मैं अभी मैन टू मैन मिलूंगी, हर आदमी को मिलूंगी जिसकी अपनी समस्या में, सारे बूथ अध्यक्ष मैंने बुलाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बिजी शेड्यूल है, तो आपने मेरे से मिलना भी और अपना मैं आपके नाम भी नोट करूंगी, नंबर भी नोट करूंगी और आपसे बात भी करूंगी, इस बार में ज्यादा नहीं तो मेरी 50% लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हो जाएगी। मेरा हमारा इकट्ठा होने का यही मतलब है कि हमारे जो गिले शिकवे हैं आज दूर होने चाहिए, ज्यादा 50% गिले शिकवे दूर हो जाने चाहिए, कोई भी मन में मुटाव लेकर हम फील्ड में जाए, हम बड़े प्यार से काम करेंगे, हमने अपना नहीं सोचना है, हमने अपना नहीं सोचना है, हमने आने वाले वक्त का सोचना है, हमने अपना नहीं सोचना, क्योंकि मेरा भी टाइम निकल गया आपका भी टाइम निकल गया, हमारे आने वाले बच्चों का टाइम जो है बड़ा नाजुक टाइम है, हमने उसके बारे में सोचना, चाहे मेरे बच्चे बच्चे उन्होंने सब सुनना चाहिए चाहिए कि नहीं चाहती, क्योंकि आज हालात ही ऐसे ना, तुसा मैं बोला दी कि तुसा इस वक्त चुकना नहीं देना, मतलब कि ये सोचा कि ध्यान जे चाहे 10 बारी सोरे सदना भी आओगे ना तो भी तुम बताना नहीं झेलने दी कहते हमें जड़ी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय मेरा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, धन्यवाद जी।